कर्म सत्कार योग गुरु रूप गुरु प्यारी गुरु खालसा साध संगत जी आओ जो अज श्री दरबार साहिब श्री हरिमंदर साहिब दीन दुनिया के मालिक धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी ने श्री मुख वाक साहिब जिया की बख्शिश की है उस हुक्मनामा साहिब जिया के आपा अखरी अर्थ सरवण करिए विचार की आरंभता तो पहला धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के चरणों में हाजरी लवाते हुए धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी वालों बख्शिश की हुई फतेह बुलाइए कोई भी रसना बांझी नारे सारी संगत गज के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बेनती है जिन्हां भी संगतां ने साडा यूट्यूब चैनल सबसक्राइब नहीं किया वो साडा यूट्यूब चैनल जरूर सबसक्राइब करो क्योंकि असी इस चैनल ते हर रोज़ जो सतगुरु जी श्री मुख वाक साहिब जिया की बख्शिश करते हैं उस हुक्मनामा साहिब जिया के अखरी अर्थ गुरबाणी की विचार अपलोड करते हैं। आओ अज सतगुरु जी की रहमत करते हैं कि सानू उपदेश दे रहे हैं आओ सरवण करिए। तनासरी महला पहला अज का मुख वाक सिख कौम दे मोढ़ी सतगुरु धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव महाराज जी की रसना तो उचारण किया होया है जो कि सतगुरु जिया ने तनासरी राग विच उचारिया है। धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जिया विच ए शब्द 661 अंग ते सुभाए मान है। जियो तपत है बारो बार तप तप खपै बहुत बेकार। जियो तपत है बारो बार तपत तो भाव है दुखी बारो बार 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 के मुड़ मुड़ के। महाराज कहिंदे जिहड़ा अकाल पुरख वाहिगुरु जी की बाणी नूं विसार दे जिहड़ा अकाल पुरख वाहिगुरु जी नूं भुल जाए उहदी जिंद मुड़ मुड़ के दुखी हुंदी है उहदी जिंद दुख सहारदी है। तप तप खपै बहुत बेकार तप तप तो भाव है दुखी हो के विकार विकारां विच दुखी हो के फिर भी वह होर विकारां विच खुवार हुंदी जांदी है। जेडे वाहिगुरु जी नूं भुल जांदे हन महाराज कहिंदे उहनां दी जिंद दुख सहारदी है। तप तप खपै दुख सहार सहार के बहुत बेकार वह होर विकारां वल खुवार हुंदी जांदी है होर विकारां वल फसदी जांदी है। जै तन बाणी विसर जाए ज्यों पक्का रोगी बिल लाए। जै तन बाणी विसर जाए जिस शरीर विच भाव जिस मनुख नूं प्रभु की सिफत सलाह की बाणी भुल जाती है जिहड़ा वाहिगुरु जी का सिमरन करना भुल जाता है विसार दिंदा है ज्यों पक्का रोगी बिल लाए। वो तो इउं है जिवें कोई पक्का रोगी होवे। पुराने समयां विच कोढ़ का रोग बड़ा भयानक रोग सी अज दे हिसाब नाल कैंसर का रोग ला लीए। महाराज कहिंदे जिवें कोढ़ का रोगी रोग दे कारण बिलकदा है रोंदा है कैंसर का रोगी रोंदा है इस तरह जिन्हों परमात्मा का सिमरन भुल जाता है जिन्हों वाहिगुरु जी की याद भुल जाती है वह भी पक्के रोगी दे वांग विलकदा है रोंदा है। बहुता बोलन चखण होए बिन बोले जाने सब कोए रहाओ। महाराज कहिंदे बहुता बोलन चखण होए बहुता बोलना परमात्मा नूं गिले देने चखण होए वह व्यर्थ है। परमात्मा नूं वे गल तो भी कही जाना महाराज तुसी साडे नाल माड़ा कीता सानू आ दुख दे दिता सानू आ दुख दे दिता पर महाराज कहिंदे मना मेरिया
अपने हिरदे अंदर हमेशा याद रखी परमात्मा नू गिले करन तो पहला ये समझ लै बिन बोले जाने सब कोए ओ तेरे बोलन तो बिना ही तेरे रोगां दा कारण जानदा है बे तू जिंदगी विच केड़े काम करदा है केड़े माड़े काम करदा है अज जे असी दुखी हाँ साढ़े दुखी होण दा कारण यही है असी अपनी जिंदगी अंदर कोई माड़े कर्म जरूर किते होणगे परमेश्वर ते भुल्या व्यापन सभे रोग वाहिगुरू जी नूं भुल के अकाल पुरख वाहिगुरू जी की याद नूं विसार के महाराज कहिंदे इह मनुख दुखी हुंदा है दुखां दे मूंह विच पै जांदा है बिन बोलै जाने सब कोए जिहदे अगे गिला करदा है जिहड़े वाहिगुरू जी नूं ताने मेहने दे रिहा है ओह तां तेरे बोलण तों बिना ही तेरे दिल की सारी गल जाणदा है बे तैनूं रोग लगे क्यों हन जिन कन कीते अखी नाक जिन जिहवा दित्ती बोले तात जिन कन कीते अखी नाक जिस अकाल पुरख वाहिगुरु जी ने तैनू कन दिते हन अखां दित्तियां हन नक दिता है जिन देहबा दित्ती बोले तात तात तो भाव है छेती छेती तुरंत अकाल पुरख वाहिगुरु जी ने तैनू बोलन वास्ते जेबा दित्ती है जेड़ी जीव दे नाल तू बहुत छेती छेती बोलदा है ए मना तू फिर भी अकाल पुरख का शुक्र नहीं करदा तू फिर भी परमात्मा का सिमरन नहीं करदा तैनू देखण वास्ते अखां दित्तियां कन दित्ते नक दित्ते तू फिर भी अलांभे दिंदा है परमात्मा नू तू फिर भी अकाल पुरख वाहिगुरु जी ते गिला करदा है उन्हां वल झाती मार के देख जेडे अपनियां अखां दे नाल संसार देख नहीं सकदे जिन्हां नू अखां दी जोत नहीं मिली उन्हां वल झाती मार के देखिया कर जेडे कन्नां तों सुन नहीं सकदे उन्हां वल झाती मार के देखिया कर जेडे अपनी ए जेबां नाल रसना दे नाल बोल नहीं सकदे गुंगे हन भाई उन्हां दे वल देखिया करो परमात्मा ने सानू किन्नियां वड्डियां ए दातां दित्तियां हन जेडे मनुख दा शरीर तंदरुस्त है ਉਹ ਇਹੋ ਜਾਣੇ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਨ ਮਨ ਰਾਖਿਆ ਅਗਨੀ ਪਾਏ ਵਾਜੈ ਪਵਨ ਆਖੇ ਸਭ ਜਾਏ ਜਿਨ ਮਨ ਰਾਖਿਆ ਅਗਨੀ ਪਾਏ अग्नि पाए तो भाव है शरीर विच अग पा के जेड़े अकाल पुरख वाहिगुरु जी ने साढ़े शरीर विच अग पा के अग्नि पा के निग करके साढ़े शरीर विच जिंद नू रखिया है मन तो भाव है जिंद साढ़े शरीर विच जिंद नू रखिया है वाजै पवन आखै सब जाए पवन तो भाव है सवास हवा ਵਾਜੈ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਵੱਜਦਾ ਹੈ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਸ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਹਰ ਥਾਂ ਤੁਰ ਫਿਰ ਕੇ ਬੋਲ ਚਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਸ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ जिस दिन उन्हें साढ़े शरीर विचों सवास पवन बंद कर दिती ए मना मेरिया तेरे शरीर की कोई कीमत नहीं होनी तेरे शरीर की उन्ना चिर ही कीमत है जिन्ना चिर सवास आ रहे हैं ताही धन गुरु नानक देव महाराज ने आखिया हम आदमी हाँ एक दमी मोहलत मोहत ना जाना ए शरीर का माण ना करिया करो हंकार ना करिया करो ये शरीर विचों सवास आ गया तो असी आदमी हाँ मनुख हाँ जे ये शरीर विच गया होया सवास मुड़ के बाहर ना आया फिर असी मिट्टी दी ढेरी हाँ
फिर सानू अपने ही शमशान घाट ले जाते हैं। कादा माण है वाजे पवन आखे सब जाए, जे ओ वाहिगुरु जी सवास दे रहा है ताही तेरा शरीर चल रहा है, ताही ए मना तू तुरिया फिर रहा है। जेता मोह प्रीत स्वाद सबा कालख दागा दाग, जेता मोह प्रीत स्वाद जितना पी माया दा मोह है, दुनिया दी प्रीत है रसा दे स्वाद हन, सबा कालख दागा दाग ये सारे मन विच विकारां दी कालख ही पैदा करदे हन, विकारां दे दाग ही मन ते लौंदे हन। दाग दोष मोहे चलिया राए, दरगह बैसन नाही जाए। दाग दोष मोहे चलिया लाए, दाग दोष तो भाव है दोसां दे दाग, मोहे मूह उत्ते सिमरन तो सुन्ने रह के, सिमरन तो वांझे रह के, विकारां विच फस के मनुख विकारां दे दाग अपने मत्थे ते ला के इत्थों चल पैंदा है। जेड़े वाहिगुरु जी नूं याद नहीं करदे, जेड़े वाहिगुरु जी दा सिमरन नहीं करदे, महाराज कहिंदे उह अपने मत्थे ते दाग ला के इह संसार तों चले जांदे हन। मनुख अपने नाल दो चीज़ां लै के जांदा है, गुरमुखो इत्थों माड़े कीते हुए काम अपने नाल लै के जांदा, ते इत्थों चंगे कीते हुए काम इह भी अपने नाल लै के जांदा। परमात्मा दी दरगाह विच चंगे माड़े कम्मां दा हिसाब होएगा, मत जानी वे तेरे नाल किसे ने हिसाब नहीं करना, तेनू जरूर पुछना है। अकाल पुरख वाहिगुरु जी तेनू सवाल करनगे वे तेनू इन्ने कीमती सवास दिते सी, वह सवास कित्थे खर्च के आया, फिर आपां की जवाब देवांगे। महाराज कहिंदे जिहड़े वाहिगुरु नूं याद नहीं करदे उन्हां दे मत्थे उत्ते विकारां दे दाग लग जांदे हन, दरगह बैसण नाही जाए, वह परमात्मा दी हजूरी विच बैठण दे योग नहीं हुंदे, वाहिगुरु जी उन्हूं दरगाह विच नहीं बिठाउंदे, उन्हूं नरक विच ही ढोई मिलदी है। करम मिलै आखण तेरा नाओ, जित लग तरना होर नहीं थाओ। करम मिले आखण तेरा नाओ, करम तो भाव है मेहर नाल बख्शिश नाल। हे प्रभु अकाल पुरख वाहिगुरु जी, जीव दे की वस है, करम मिले आखण तेरा नाओ, जे थवाड़ी रहमत होवे थवाड़ी बख्शिश होवे ताही महाराज थवाड़ा सिमरन किया जा सकता है, थोड़ी कृपा दे नाल ही थोड़ा सिमरन किया जा सकता है। जित लग तरना होर नहीं थाओ, तेरे नाम विच ही लग के मोह दे विकारां दे समुंदर विचों पार लंघ सकीदा है, इन्हां तो बचण लई होर कोई था नहीं है। जित लग तरना होर नहीं थाओ, होर कोई था नहीं, विकारां दे समुंदर तो सिर्फ ते सिर्फ अकाल पुरख वाहिगुरु जी दे चरणा नाल लग के ही विकारां दा समुंदर पार कीता जा सकता है। जे को डूबै फिर होवै सार, नानक साचा सर्ब दा तार। जे को डूबै फिर होवै सार, जे कोई मनुख प्रभु नू भुला के विकारां विच डुबदा भी है, वह प्रभु इतना दयाल है कि फिर भी उसकी संभाल करता है, उसकी सार लैंदा है। जिहड़ा वाहिगुरु जी दे चरणा विच आ जाता है, धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जिया दे चरणा विच ढह पवे, अकाल पुरख वाहिगुरु जी दे चरणा विच निम्रता नाल अरदास करे, महाराज मेरे कोल पिछे जो हो गया महाराज कृपा करो मैनू बख्श लो। जे को डूबै फिर होवे सार, महाराज कहिंदे मनुख जिन्ना मर्जी विकारां विच डुबिया होवे,
पर भावना दे नाल शरदा दे नाल अपने गुरु साहब अगे आके अरदास करे महाराज उहदी संभाल करदे हन सतगुरु जी उहदी बांह फड़ लैंदे हन नानक साचा सर्ब दतार ओ सदा थिर रहण वाला प्रभु सब जीवां नूं दाता देण वाला किसे नूं वितकरा नहीं रखदा किसे नाल भी ओ वितकरा नहीं रखदा नानक साचा सर्ब दतार ओ सारिआं दा दाता है उस अगे अरदास करनी चाहीदी है महाराज सानू भी ये भव सागर विचों विकारां दे समुंदर विचों महाराज सानू भी कढ लो सानू भी बचा लो असीं डुबदे जा रहे हन गुरमुखो हमेशा ही अकाल पुरख वाहिगुरु जी का सिमरन करना चाहीदा है जिस वाहिगुरु जी ने सानू नक दिता अखां दित्तियां कन्न दिते हथ दिते पैर दिते केड़ी केड़ी दात दिती है हर समय शुकर करो हर समय शुकराने विच जिंदगी गुजारनी चाहीदी है महाराज जी थवाड़ा कोटान कोट शुकर है तुसी सानू एने सोहनिया चीजा दित्तियां गुरमुखो ये दुनिया विच एहो जे भी परिवार हन जिन्हां नूं सोचण दी शक्ति नहीं दित्ती शरीर पूरा हुंदा है पर उन्हां नूं सोचण दी शक्ति नहीं हुंदी उन्हां दा दिमाग चलदा नहीं पर साडे ते किड्डी रहमत है किड्डी बख्शिश है महाराज जीआं दी सानू पूरा तंदरुस्त शरीर दिता जे असी फिर भी परमात्मा दा नाम नहीं जपदे जे फिर भी अकाल पुरख वाहिगुरु जी नूं याद नहीं करदे फिर साडे तो माड़े कर्म किसे दे हो नहीं सकदे इस देही को सिमरै देव आ जिहड़ा सानू शरीर मिलिया इह देही नूं देवी देवते भी लोचदे हन ते सानू तां मिलिया होया है असी अकाल पुरख वाहिगुरु जी का सिमरन करिए परमात्मा की इबादत करिए जदों वाहिगुरु जी नूं याद करांगे फिर धन गुरु नानक देव महाराज साडी बांह फड़ लैणगे जदों असी सिमरन नहीं करदे जदों वाहिगुरु जी नूं याद नहीं करदे तां असी धन गुरु नानक देव महाराज जी पासों अपनी बांह छुडाउंदे हाँ वे महाराज साडी बांह छड्ड दिओ पर जेड़े गुरु दे पासों बांह छुड़ा लैंदे हन ओ भव रूपी संसार सागर विच डुब जांदे हन आपां गुरु साहिब जी नूं बांह फड़ानी है असीं इह अरदास करनी है हम अंधले की टेक तेरा नाम खुंदकारा महाराज मेरे अन्ने वास्ते तेरे नाम ही खुंडी है तुहाडे नाम जप के ही असीं पार हो सकदे हां सो गुरमुखो इह सन जो अज सतगुरु जिया ने श्री मुख वाक साहिब जिया की बख्शिश की उस हुक्मनामा साहिब जिया के अखरी अर्थ जो आप जिया ने सरवण किए हैं विचार करते समय एक नहीं बेअंत भुला हो गई अणजाण बच्चे समझ के माफ करो गुरु वाले बनो अमृत छको जी बुलाओ फतेह वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।